आज बच्चों ने जिद की, मम्मा बाहर चलिए और बाहर हमें खाना है चाउमीन। तो भाई मैंने बच्चों से कहा बाहर जाने की क्या जरूरत है, चाउमीन तो बाहर से कहीं ज्यादा अच्छी मैं घर पर ही आप लोगों के लिए बना दूंगी। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा आप बना दीजिए। तो भाई मैंने बच्चों के लिए जो चाउमीन बनाई थी वही चाउमीन की रेसिपी आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की ये चाउमीन की रेसिपी मैंने कैसे बनाई। तो सबसे पहले हमें सब्जियों को कट कर लेना है। तो इसमें जो मेन सब्जी होती है शिमला मिर्च, प्याज और पत्ता गोभी, इसको जरूर ले लीजिएगा, बाकी आपकी जो मर्जी हो वो सब्जियां ले लीजिएगा। तो इन्हें सब्जियों को हमें कट कर लेना है। कोशिश करिए इसमें जो सब्जियां पड़ती हैं एक साइज में ही कटिंग की जाती हैं, तो मैंने भी कोशिश करके एक साइज में काट ली है, क्योंकि बच्चों को ये भी दिखाना था कि बिल्कुल बाजार से भी कहीं ज्यादा अच्छी चाउमीन मैंने घर पे बनाई है। तो सारी सब्जियां हमारी कट हो गई थी, तो अभी इन्हें मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इनके साथ में ही मैंने थोड़े से लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया था, और अब इधर गैस पर मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब ये मैंने करीब 300 ग्राम नूडल्स ले लिए हैं, ये पतले वाले नूडल्स मैं ले रही हूँ, तो इन्हें हमें पानी में डाल देना है। तो इन्हें डालते समय खास बात का ध्यान रखना है कि पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी आप नूडल्स डालिएगा, तो आपके जो नूडल्स हैं वो स्टिकी नहीं होंगे और बिल्कुल बाजार जैसे आपके ये चाउमीन बनकर तैयार होगी। तो आज मैं आपको पूरा एक एक प्रोसेस बताऊंगी कैसे आपको ये नूडल्स उबालने हैं और किस तरीके से इन्हें आगे प्रिपेयर करना है, तब आपके बिल्कुल ढाबा जैसे और स्ट्रीट वाले जैसे बनाते हैं उसी तरीके से आपके भी चाउमीन की रेसिपी बनेगी। तो देखिए इन्हें हमें 80% तक कुक करना है, पूरा कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारे जो नूडल्स थे उसी स्टेज तक बॉयल हो चुके थे, तो इन्हें तुरंत ही निकाल कर स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि गर्म पानी निकल जाए, और इसके बाद तुरंत इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो नूडल्स की कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाए। और अब ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से एक एक खिले खिले से हमारे नूडल्स हैं। इनका थोड़ा सा जब पानी निकल जाए तब हमें करना क्या है, एक बड़ी सी थाली लेंगे या तो एक बड़ी सी ट्रे ले लेंगे, और इसमें हमें जो नूडल्स हमने अभी धोकर रखे हैं वो इसमें हमें फैला देना है। तो इसी तरीके से मार्केट वाले भी आप देखते होंगे सुबह से ही वो अच्छे से इस तरह से नूडल्स को उबालते हैं और शाम तक उनके यही नूडल्स चलते हैं, बस सब्जियों को कुक करके उसमें ये नूडल्स डाल देते हैं और उनके नूडल्स भी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ में वो लोग भी इसी तरीके से करते हैं, तो उनके नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और पूरे नूडल्स में इस तरीके से हम लगा देंगे और कुछ देर इन्हें हवा में रख देंगे, जिससे इनका जो पानी है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा तो ये स्टिकी भी नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप इनको काफी देर तक इसी तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए सारे नूडल्स को इसी तरीके से फैला देते हैं और अब इन्हें साइड में रख देते हैं। और अब गैस पर मैं चढ़ा रही हूँ लोहे की कढ़ाई, क्योंकि जो चाइनीज फूड बनते हैं वो हमेशा लोहे के बर्तन में ही अच्छे बनते हैं। तो 2 टेबल स्पून इस पे मैंने ऑयल डाला है और ऑयल को इस तरीके से आप पूरी कढ़ाई में फैला लीजिए। अब इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने डाल दीजिए, 6 से 7 पत्ते करी पत्ता के डाल दीजिए, और करीब 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया था और 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप की हुई, 1 हरी मिर्च है, सब कुछ अच्छे से इसमें डाल दीजिए और बिल्कुल हल्का हल्का ही सौते करना है, और ये सारे काम हमें तेज आंच में करने हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें चाइनीज फूड बनाने में हमेशा गैस को तेज ही रखें ताकि एक स्मोकी सा फ्लेवर हमारे नूडल्स में आ जाए। और प्याज को भी हल्का सा हमें पका लेना है, जैसे ही प्याज हल्की सी सॉटे हो जाती है तो सारी जो सब्जियां हमने कट करके रखी हैं वो डाल देंगे, पत्ता गोभी डाल देंगे बारीक की हुई, साथ में ही मैंने इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल दी है। और अब इन्हें हमें हल्का हल्का सा ही सॉटे करना है, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप अभी देख रहे हैं इस स्टेज पे मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालते ही सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और अभी हमें पानी नहीं चाहिए। गैस की फ्लेम को तेज रख के हमें हाथों को भी तेजी से चलाना है, और बस अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सॉसेस। तो 1 टीस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून विनेगर।
आप चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसमें चिली पहले ही मिर्ची डाल दी थी तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। बस सॉसेस को इसमें मिला देना है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नूडल्स मसाला, जो कि 2 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ, और इसे भी मिक्स कर देंगे। मैं इसमें अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बाजार वाले हमेशा जो बनाते हैं चाइनीज फूड उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है, और जब घर पे ही हम बना रहे हैं तो क्यों हम अनहेल्दी चीज कोई भी इसमें डालें। तो चलिए मैं इसे नहीं डाल रही हूँ, और अब इसे देखिए हमारी सब्जियों में सॉसेस अच्छे से मिल गए हैं, और ये देखिए हमारे नूडल्स इतनी देर बाद भी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुए हैं, और बहुत ही बढ़िया हमारे ये नूडल्स हैं। तो चलिए इन्हें हम डाल देते हैं, और देखिए आप एक एक नूडल्स कैसे अलग हो रहा है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे अपने नूडल्स तो आपके भी नूडल्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। जो ढाबे वाले स्ट्रीट वाले होते हैं वो लोग भी अपने नूडल्स इसी तरीके से तैयार करते हैं पूरे दिन के लिए, और उनके भी नूडल्स स्टिकी नहीं होते हैं, तो सेम प्रोसेस वो अपनाते हैं। अब ये देखिए मैंने 2 कलछी ली हैं, और दोनों कलछी से इस तरीके से हम इसे चलाएंगे, इस तरीके से ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाती हैं सब्जियों के साथ में, और जो हमारे नूडल्स हैं वो टूटते नहीं हैं, बिल्कुल लंबे लंबे और खिले खिले बने रहते हैं। तो देखिए हमारी जो सब्जियां हैं सॉसेस हैं बहुत ही अच्छे सी नूडल्स के साथ में मिक्स हो चुकी हैं। और ये लीजिए अब हम क्या करेंगे, इसमें नमक जो हमने पहले नहीं डाला था तो उसमें हम नमक डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल लीजिए, और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज पे जब आप नमक डालते हैं तो आपके ना सब्जियां पानी छोड़ेंगी, और बिल्कुल अच्छे से ये मिल जाएगा, और बहुत ही बढ़िया हमारे नूडल्स बनेंगे। तो अब इसी स्टेज पे 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च डाल दिया है फ्लेवर के लिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, और इसे भी मिला दें, और बस हमारी ये नूडल्स बनकर तैयार हैं। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था। तो बस लीजिए तैयार है हमारे स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन की ये रेसिपी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आई, बच्चों ने खूब तारीफ किया और बहुत ही मन से खाया। इस तरीके से जब हम घर पे ही बच्चों को ये बना कर देते हैं तो बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और बच्चे घर में हेल्दी खा पाते हैं, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ऐसी चीजें भी डाल देते हैं जो कि अनहेल्दी होता है। तो देखिए कितने बढ़िया नॉन स्टिकी हमारे नूडल्स बनकर तैयार हैं। तो चलिए इन्हें सर्व कर लेते हैं, और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी हमारे ये नूडल्स बन करके तैयार हैं। आप इन्हें फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में इंजॉय कर सकते हैं, और सभी को बहुत ही पसंद आएंगे जब इस तरीके से आप उन्हें नूडल्स बनाकर खिलाएंगे। और जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके नूडल्स जो होंगे वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे, और बिल्कुल खिले खिले अलग अलग से हमारे ये नूडल्स रहेंगे, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं तो चली अपने बच्चों को ये खिलाने, आप भी इन्हें ट्राई करिए, बनाइए, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी ये नूडल्स कैसे बने हैं। आज की ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।